दोस्तों नमस्कार, आपके अपने लोकप्रिय चैनल एक्सीलेंट पावर में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही खास रहने वाली है जिन्होंने दिल्ली पुलिस 2020 का एग्ज़ाम दिया है और दोस्तों जो आगामी दिनों में देने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो यानी कि कट ऑफ के लिए है, यानी कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। और दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि दोस्तों विद्यार्थियों से बात करने पर पता चला है कि अब की बार जो पेपर यानी कि है जो वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है, यानी कि दोस्तों न तो ज़्यादा ये कठिन है और दोस्तों न ही ज़्यादा सरल है। जैसा कि दोस्तों अब की बार आप सभी को पता है कि इस बार यानी कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से यानी कि आपकी जो कट ऑफ है उसमें आपको गिरावट देखने को अवश्य मिल सकती है। दोस्तों यह जो जैसा कि आपको पता है कि ये वैकेंसी है यानी कि 5846 पोस्टों के लिए ये होने वाली है और इसमें लगभग दोस्तों फिजिकल के लिए 70,000 यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो पास होंगे। यानी कि दोस्तों इस कट ऑफ में यानी कि ये जो कट ऑफ है ये फिजिकल के लिए यानी कि कौन विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं, इसके लिए दोस्तों हमें आपकी मदद चाहिए। तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अवश्य बताएं यानी कि दोस्तों आप किस बारी में एग्ज़ाम हुआ था और दोस्तों आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बाद में मैं आपको एक संशोधित कट ऑफ लेकर और आऊँगा। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया पल पल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं यानी कि इसकी कट ऑफ किस प्रकार की रहने वाली है। सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, यानी कि जनरल मेल के लिए आपकी जो कट ऑफ है यानी कि फिजिकल के लिए आप दोस्तों यदि आपके 60+ क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप यानी कि अपने आप को सेफ मान सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी में यदि आपके 58+ सही बैठ रहे हैं काट पीट कर तो दोस्तों मेल कैंडिडेट हो तो आप अपने आप को फिजिकल के लिए यानी आप अभी से फिजिकल स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यदि दोस्तों आपके यानी कि 56+ यदि बैठ रहे हैं काट पीट कर और दोस्तों आप मेल कैंडिडेट हो तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हो, यानी कि आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों एस सी एस टी की। तो दोस्तों एस सी एस टी की अगर हम बात करें तो यदि आपके 50+ क्वेश्चन बैठ रहे हैं और मेल कैंडिडेट हो तो आप अपने आप को एक सेफ मान सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम जनरल कैटेगरी में, यानी कि जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों यदि आप फीमेल हो और आपके 57 क्वेश्चन यानी कि इससे प्लस प्लस बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी में यानी कि आपके यदि 55+ बैठ रहे हैं काट पीट कर तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, यानी कि आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दोस्तों अगर हम फीमेल की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यदि आपके यानी कि 53+ क्वेश्चंस बैठ रहे हैं यानी कि काट पीट कर तो आप फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एस सी एस टी की। तो दोस्तों एस सी एस टी में यदि आपके 40+ क्वेश्चंस करेक्ट बैठ रहे हैं तो आप यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आप यानी कि फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो।